हे फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द वुमन लेफ्ट इस्लाम, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की ने इस्लाम छोड़ा है, ये सच कहानी है या झूठ? तो चलिए देखते हैं। मेरा जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ, ये सच है। पली बड़ी भी वही हूँ, वो संभालते तक की तो वही थी। जब भी मौका मिलता था मंदिर चले जाती थी और हाथ भी जोड़ती थी। तो कुछ मुस्लिम सहेलियाँ भी थी तो वो बोलती थी कि क्यों हाथ जोड़ती है, ये तो मूर्ति है। मस्जिद में तो देखो, हमारे समाज में लड़कियों को वैसे भी जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन हाँ, मैं मदरसा गई हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है, उर्दू भी कुछ हद तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन नमाज भी पढ़ी हूँ, लेकिन उतने मन से नहीं करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कुछ माह पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक मुस्लिम औरत जो कि ये दावा कर रही थी कि मैंने जो है वो इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। उसके बाद उसका दूसरा इंटरव्यू आया जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। उसने कहा कि मैं जो है वो बचपन से जो है वो मुस्लिम हूँ, मेरा जो है वो जन्म, मेरी पैदाइश जो है वो मुसलमानों के घर हुई, लेकिन मैं जो है वो इस मज़हब को इतना फॉलो नहीं करती थी। मैं जाती थी मंदिर और मंदिर में जाकर प्रसाद भी खाती थी, हाथ भी जोड़ती थी, लेकिन मेरी मुस्लिम बहनें मुझे कहती थी कि आप जो है वो ये गलत कर रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप एक मुसलमान हैं। तो ये सारी एक घड़ी हुई जो है वो कहानी है। कोई भी उठकर आ जाता है और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने जो है वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो ये सारी स्क्रिप्टेड वीडियोस होती हैं, लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि देखें किस तरह मुसलमान जो है वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो आइए हम ये जो है वो औरत का आपको क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद उसकी सारी बात को आप देखिएगा, समझिएगा। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ, ये सच है। पली बड़ी भी वही हूँ, वो संभालते तक की तो वही थी, लेकिन हिंदू धर्म कि जो मेरी फ्रेंडशिप थी बचपन से, मेरी जो सहेलियाँ थी वो हिंदू धर्म में थी, उनके साथ मैं मंदिर जाती थी, उनके फेस्टिवल में उनके घर जाती थी और फिर मैं अपने घर वालों से छुपते छुपाते मंदिर चली जाती थी। जब भी मौका मिलता था मंदिर चली जाती थी और हाथ भी जोड़ती थी। तो कुछ मुस्लिम सहेलियाँ भी थी तो वो बोलती थी कि क्यों हाथ जोड़ती है, ये तो मूर्ति है, मूर्ति को तो खुद इंसान बना रहे हैं, ये कहाँ से उनके भगवान हो गए, मत जोड़ा कर। मैं किसी की बात नहीं सुनी, प्रसाद देते थे तो बड़ी इच्छा से खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। मस्जिद में तो देखो, हमारे समाज में लड़कियों को वैसे भी जाना अलाउड नहीं रहता है, लेकिन हाँ, मैं मदरसा गई हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है, उर्दू भी कुछ हद तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन नमाज भी पढ़ी हूँ, लेकिन उतने मन से नहीं करती थी, देखा देखी में या तो फिर प्रेशर में। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने के वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं।
माली दबाव या प्रेशर नहीं, आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाल्लाह आप मुस्लिम हो चुके जी। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1,00,000 से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालदेन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में इंसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे। आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालदेन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यक्सा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालदेन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालदेन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालदेन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालदेन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत के बाद आपको अपनी वालदेन से मोहब्बत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों वालदेन अगर ज़ईफ हो जाते हैं आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो। लेकिन
उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुभान अल्लाह से दुआ करो कि मेरे वालदेन को बरकत दे। और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालदेन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुभान व तआला आपके वालदेन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते वाह, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और जो पहला बयान था उस लड़की का कि मैंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, वो मेरे ख्याल से लगती तो हिंदू ही थी पहले से स्टार्टिंग से, पर ऐसा हो सकता है कि वो उसने सच में इस्लाम को छोड़ा है क्योंकि जो छोड़ा है। और मतलब बीच में एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था जब बागेश्वर धाम जी के मतलब वहाँ के जो मतलब महाराज है उन्होंने उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था मतलब उनके ज़रिए से। और वो नहीं इतने मन से इस्लाम को फॉलो कर रही थी क्योंकि मतलब हर किसी का होता है कि हर किसी को मतलब अपना धर्म चुनना ये स्वतंत्रता है और हर कोई अपने हिसाब से धर्म बदलता है। और उसने और बताया भी कुछ अच्छा लगा होगा और इस्लाम धर्म को छोड़कर वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसे ही हम फॉलो करते हैं। और उसने बताया भी कि उसकी लड़की जो दोस्त थे लड़कियाँ वो बहुत सारी हिंदू लड़कियाँ हैं और ऐसा होता है कि संगत का असर हो जाता है कि अगल बगल में आपके जो भी हो उसका असर आपके ऊपर होने लगता है। अगर आपका हृदय जो है स्ट्रांग हो तो ही आप उसे काबू कर सकते हैं। तो हमारे इधर बहुत सारे जो भी अगल बगल में है बहुत मुस्लिम लोग रहते हैं तो बहुत असर होता है उनका क्योंकि पास टाइम की नमाज़ की आवाज़ आती है, जो भी अजान दी जाती है उसकी, और उनके रोज़े वगैरह सब हम देखते हैं अपनी आँखों से। और बाद में एक हिंदू लड़की ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो अपने अपने मन की बात होती है जिसने जो धर्म और बाद में एक मतलब हिंदू धर्म की लड़की ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अपने अपने मन की बात होती है। अगर हमें कोई धर्म अच्छा लगता है तो हम उसे ही फॉलो करते हैं जैसे कि इन दोनों भी बहनों ने किया, लेकिन हम उन्हें गलत नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने मन से लगा कि कौन सा धर्म हमारे लिए सही है, उन्होंने वही एक्सेप्ट कर लिया। तो आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।